हेलो फ्रेंड्स, मैं नमन मेहरोत्रा। वेलकम टू इन माय क्लास नॉलेज 247। तो आज हम जो करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? पार्ट नंबर 7। मैंने आपको पार्ट 5 में, पार्ट 6 में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको 7th में पार्ट में भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे। आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है। आपका SSC का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका वो रेलवे का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप क्या करिए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहले क्या करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए अच्छे से अच्छा चैनल हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें और आपके शेयर करने से हमें मिलता है मोटिवेशन। ठीक है, आप अगर शेयर करते हैं जितना, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, करिए और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो देखते रहिए और अपनी नॉलेज को घर बैठे गेन करते रहिए। तो हम शुरू करते हैं टाइम। आपके लोग, आपको सवाल के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, आज के सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, फिर मैं आपको हर सवाल के लिए 1 मिनट दूंगा। ठीक है, अब एक चीज़ है सवाल में, पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल पढ़ते हैं पहले हम। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ हैं समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशा से चल रही हैं, मतलब विपरीत दिशा से आ रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो गाड़ी की लंबाई बतानी है प्रत्येक गाड़ी की, मतलब दो गाड़ियाँ एक अलग अलग लंबाई बतानी दोनों की। ठीक है ना, अब आप एक चीज़ समझिए सवाल में। जैसे मान लीजिए एक आप जा रहे हैं और एक आपका दोस्त आ रहा है, एक आप इधर से और आपके दोस्त इधर, तो इतनी आपको डिस्टेंस कवर करनी है। आपका फ्रेंड इधर से जा रहा है और आप इधर से आ रहे हैं। ठीक है, आप जो जा रहे हैं इधर से और आपका फ्रेंड इधर से आ रहा है, और टोटल किलोमीटर है आपको 9 किलोमीटर तय करना है। ठीक है, 9 किलोमीटर क्या करना है, तय करना है आपको। मान लीजिए आप जा रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, वो आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आप चले 1 घंटे में कितना चल जाएंगे, 4 किलोमीटर, 1 घंटे में आप चल जाएंगे 4 किलोमीटर, वो आपका दोस्त 1 घंटे में कितना चल जाएगा, 5 किलोमीटर। तो आपने 1 घंटे में 5 चल दी और आप उसने 1 घंटे में 4 चल दी, तो टोटल कितनी चल गई, 9 किलोमीटर चल गई। क्या चल गई, 9 किलोमीटर। तो जो आपकी 9 किलोमीटर डिस्टेंस है वो 1 घंटे में कवर हो जाएगी, जो बीच की डिस्टेंस थी आप दोनों से मिलकर 1 घंटे में कवर हो जाएगी। जब आप विपरीत दिशा में आते हैं, जब आप विपरीत दिशा से आते हैं, दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसका रीज़न क्या है, जब आप इधर उधर से आ रहे हैं तो आपके मिलने का समय जो होगा कम होगा, आपके मिलने का समय जो होगा आपको कम लगेगा, क्योंकि दोनों की, दोनों एक तरफ चल के आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर लखनऊ जाना है, ठीक है, और लखनऊ से अगर आपने कहा कि लखनऊ बहुत दूर है, 400 किलोमीटर है, ठीक है, आपने अपने दोस्त से बोला, आपको दोस्त की शादी में जाना है लखनऊ, तो आपने अपने दोस्त से बोला कि तुम इधर से चल कर आओ लखनऊ से, मैं इधर से चल कर आ रहा हूँ, तो हम बीच में मिल लेंगे। तो 200 किलोमीटर तो वो चला और 200 किलोमीटर तो वो चला आपका दोस्त, तो आपको कम टाइम लगा मिलने में, आपको मिलने में कम टाइम लगा। क्यों कम टाइम लगा, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी उसके आपके दोस्त की और आपकी स्पीड थी जुड़ गई दोनों की। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जब आपके डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन की होती है तब स्पीड जुड़ती है, और आपकी डिस्टेंस सेम डायरेक्शन की होती है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। समझ में आ गया होगा आपको, बस इसी कॉन्सेप्ट से सवाल करने हैं हमें। ठीक है, पहला सवाल देखिए, आपको 1 मिनट मिलता है पहले सवाल के लिए। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ हैं समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं, तदनुसार प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या है। 1 मिनट दूंगा मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए, सभी भी 1 मिनट है, सभी इसका आंसर बताएंगे, सभी इसका आंसर बताएं जल्दी से। तभी इसका आंसर अच्छे क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होगा उम्मीद करता हूँ आपको, बस आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है।
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वो दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, ठीक है ना, समांतर पटरियों पर चल रही हैं 65 और 85 की स्पीड से। देखिए कैसे होगा सवाल, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखिए जो आपको फॉर्मूला होता है आपको निकालना क्या है, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है हमारा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो स्पीड क्या है, स्पीड है 65 और 85, मैंने आपको बताया दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 65 और 85 कितने हो गए हमारे, 5 और 5 10 का 0, हाथ लगा रहे 8 और 6 14 15, हमारी स्पीड हो गई 150 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई, 150 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड हो गई। मगर स्पीड हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जो हमारी चाल है, जो हमारी चाल है किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है, जो हमारा समय दे रखा हो चाहे हमारी दूरी दे रखो, समय हमारा 6 सेकंड दे रखा है, तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर लेंगे, दो स्पीड हो गई 150, अब तो मीटर में जा रहे हैं, मतलब छोटे में, किस में जाना है हमें, छोटे में जाना है। अब हमारा छोटा क्या है, 5 और 18 में, 5 और 18 में छोटा, ये आपको मैं बता चुका हूँ तरीका कैसे निकालने का, ठीक है ना। आपको उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैंने आपको बताया था जब आप छोटे में जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, अब मीटर क्या है हमारा, छोटा। और आपको पता ही है 5 बटे 18, 18 बटे 5 में से किसी एक का मल्टीप्लाई होता है चेंज करने के लिए, पर आप जा रहे हैं मीटर में, मीटर क्या है हमारा, छोटा। अब छोटी संख्या क्या है, 5, तो 5 कहाँ आएगा, ऊपर, 18 क्या आ जाएगा, नीचे। और टाइम कितना है आपका, 6 सेकंड, कितना है, 6 सेकंड, तो 6 3 18, 3 से कितना कट जाएगा जी आपका, 50 बार 50 पंजे कितना आ गया, 250। तो जो आपकी डिस्टेंस आ गई, जो आपकी डिस्टेंस आ गई वो 250 मीटर आ गई। ये चीज़ आपको समझ में आई अब यहाँ तक। अब आप ये चीज़ समझिए, डिस्टेंस है वो दोनों रेलगाड़ियों की होगी, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बहुत बार बता चुका हूँ कि जब हमारा कोई आदमी हो, जब कोई हमारा वृक्ष हो, जब कोई हमारा खम्भ हो, उसे तो हम निगलेक्ट कर चुके होते हैं, मगर जब हमें किसी पुल को पार करना है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है या एक रेलगाड़ी को अपनी ही रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करना है, तब उसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तब हमारा क्या होता है कि दोनों रेलगाड़ियों की हमारा, या दोनों रेलगाड़ी या पुल की या रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो दोनों रेलगाड़ियों की मिलकर बनी होगी 250 मीटर। तो एक की पूछ रहा है तो दो का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, तदनुसार वे एक दूसरे को कितने समय बाद मिल सकेंगी। अब क्या निकालना है, टाइम, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। चलिए सभी पर आप पे एक मिनट का समय है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छा क्वेश्चन है, हमें निकालना है अब समय निकालना है, हमें क्या निकालना है, समय। देखिए कैसे करेंगे, समय क्या होता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमें देखेंगे पहले, डिस्टेंस दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ डिस्टेंस क्यों जुड़ जाएगी दोनों की, ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि जब दोनों गाड़ियों को पार करना है, उसे एक रेलगाड़ी जे दूसरी रेलगाड़ी जे, तो उसे दोनों को पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और दोनों की स्पीड भी जुड़ जाएगी, दोनों की डिस्टेंस भी जुड़ जाएगी। टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी है, 180 और 220, इनको जोड़ लीजिए, 400 आ गए, 400 हमारी आ गई डिस्टेंस। किस में है वो आपकी, डिस्टेंस आपकी मीटर में है और आपकी स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसमें किससे बदलना पड़ेगा, हमें किलोमीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, हमें जो स्पीड बदलनी होती है वो हमें अपनी चाल के अकॉर्डिंग बदलनी होती है सब कुछ, ठीक है ना। अब देखिए 40 और 50 कितनी हो गई, 90 हो गई, क्या हो गई, 90 हो गई। अब 90 को जब हम बदलेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा हमें, 5 बटे 18 का, क्योंकि मीटर क्या है हमारा, छोटा, तो छोटी संख्या क्या है, 5 18 5 90 55 25 हो गया, 400 बटे 25 कितना आएगा, 400 को 25 में भाग दीजिए, 16 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया 16 सेकंड, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर प्लेटफॉर्म को एक्स सेकेंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, तो एक्स का मान बताइए। चलिए सभी क्वेश्चन करिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए करने में। सभी करिए इस क्वेश्चन को। देखिए हमें क्या निकालना है, समय, क्या निकालना है, समय। तो टाइम कैसे निकालते हैं हम, जो हमारा टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस आप देखिए, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की जोड़ जाएगी 200 और 300, 500 हो जाएगी। 500 तो हमारी डिस्टेंस हो गई, 500 क्या हो गई, हमारी डिस्टेंस हो गई। अब स्पीड क्या होगी? स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे किस में बदल देंगे? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि 5/18 तो 18 का चला जाएगा ऊपर। इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 से 100 बार कट गया आपका, 6 3 18, 6 से 10 बार कट गया, 10 2 100 हो गया और 10 3 30 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 30 सेकंड हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये, कितना आंसर आ गया हमारा? 30 सेकंड। कितना आ गया? 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादा क्वेश्चन देखिए। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, ये हमें बताना है। अब पुल की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। कितनी है? 180 मीटर पुल की लंबाई है और 270 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है ना। चलिए सर सॉल्व करिए इसे, 1 मिनट दिया जाएगा आपको। अब देखिए, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्पीड को 36 × 5/18 से क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है मीटर में है, ठीक है। 18 × 2 = 5 = 10 आ गए, 10 मीटर पर सेकंड आ गए। कितने आ गए? 10 मीटर पर सेकंड। समय निकालना है, समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 270 और 180 दोनों जुड़ जाएंगे, 450। स्पीड क्या होगी हमारी? 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 45 सेकंड। कितना आ जाएगा? 45 सेकंड। बी हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको बताने में टाइम नहीं लगना चाहिए अब आपको करने में, ठीक है ना। 30 सेकंड दिया जाएगा इसको। अब देखिए, इसमें देखिए आप, 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है आपका और 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो दोनों की स्पीड डिस्टेंस जुड़ जाएगी 480 होगी। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 480, ठीक है ना। और टाइम कितना लग रहा है आपका? टाइम लग रहा है आपका 36 सेकंड। यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है, पर हम जब जब ऑप्शंस पर नज़र डाली तो ऑप्शंस हमारे हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हमारा मीटर पर सेकंड में। अब हमें जाना है किलोमीटर से, मतलब बड़े में जाना है। बड़ा क्या है हमारा? 18 और नीचे क्या आएगा? 5। 18 × 2 = 36, 2 से कट जाएगा आपका, 2 × 2 = 40 बार, 5 से कट जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा सारे अच्छे से। अब ये क्वेश्चन देखिए, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, अब आपको खुद करना है। 1 मिनट पूरा मिलेगा आपको, कोई कम टाइम नहीं दे रहा मैं आपको, 1 मिनट पूरा दूंगा मैं आपको, इसको आपको खुद बताना है। क्वेश्चन को समझिए और क्या कह रहा है वो करिए आप। इसमें पुल की लंबाई पूछ रहा है आपसे,
सब। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को, लंबाई हमारी दे रखी 130, पर हमें रेलगाड़ी की लंबाई तो पता नहीं, हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पता नहीं है अभी, हमें पुल की लंबाई, सॉरी पुल की लंबाई तो हमें पता नहीं है, हमारी जो डिस्टेंस होती है वो मैंने आपको बता दिया है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है और जो आपकी पुल की लंबाई है प्लेटफॉर्म की जो भी दे रखा हो उसकी लंबाई को मिलाकर हमारी डिस्टेंस बनती है, पर इसमें तो हमारी पुल की लंबाई दे नहीं रखी, तो आप हमें पूछा क्या, पहले ये देखिए आप पुल की लंबाई पूछा है ठीक है ना, और 30 सेकंड में क्या कर रही है, पार कर रही है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस होगी आपकी 130 प्लस कुछ उसकी पुल की, तो हमने एक्स मान ली 130 प्लस एक्स कुछ होगी ठीक है, स्पीड कितनी है 30 सेकंड, स्पीड है 45, तो इसे किस में बदल देंगे आप, किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 ठीक है, क्या हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। अब इसको और प्लस और मल्टीप्लाई टाइम कितना है आपका 30 सेकंड ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए आप इसे, तो जब इसे आप इसे सॉल्व करेंगे 5 काट लीजिए आप इसे, 45 से 9 5 45, 9 2 18, 2 से 15 बार कट गया, तो 15 5 75, 5 कितने हो गए आपके, 75 5 हो गए 375, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 375 माइनस 130 हो जाएगा, मतलब 245 आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी पुल की लंबाई आ गई 245। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए आप ये सोचिए कि वो जो डिस्टेंस उसकी जो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जब इसको चेंज करोगे आप 5/18 से, तो 9 2 18 25/2 आ गई, कितनी आ गई 25/2, मतलब जो आपकी ट्रेन है कितने सेकंड चल रही है, 25/2 उससे 30 सेकंड तक चल रही है, तो वो कितनी चल जाएगी, 2 से 15 बार, 15 5 375, तो वो टोटल चल गई 375। अब 375 में से 130 तो लंबाई हो गई ट्रेन की, तो वो बाकी बची 225, किस 200 जो जो भी बचा आपका, क्या बचा 245 जो बचा, वो क्या हो जाएगा पुल की लंबाई हो जाएगी, ये चीज़ आपको समझनी थी बस ठीक है ना, क्या हो रहा है वो 25/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 सेकंड तक चली है, तो कुछ टोटल कितनी चली है 375 चली है। अब 375 में से 130 तो वो उसकी लंबाई होगी खुद की, और बाकी बची तो उसकी पुल की लंबाई होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है टोटल लंबाई के बराबर होती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक रेलगाड़ी टेलीग्राम के एक खंभे को 264 मीटर लंबे को और पुल को, मतलब ये कह रहा है इसमें जो आपकी रेलगाड़ी है खंभे को तो 8 सेकंड में और 264 मीटर एक पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है, मतलब जो ट्रेन है खंभे को पार कर रही है मतलब खुद को पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है मतलब खुद को पार कर रही है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हम खंभे को और उसको नहीं मानते, निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब ये कह सकते हैं हम जो ट्रेन है वो खुद को पार कर रही है 8 सेकंड में, और ट्रेन प्लस 264 मीटर एक लंबे पुल को 12 20 सेकंड में पार कर रही है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो आप एक चीज़ देखिए, वो ट्रेन खुद को तो 8 सेकंड में पार कर रही है और उसको 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर रही है ट्रेन प्लस, ठीक है ना, क्या कर रहा है ट्रेन प्लस 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर रही है ठीक है ना, 20 सेकंड में पार कर रही है। तो फिर अब ये देखिए आप एक चीज़ समझिए आप कि ट्रेन जो है वो खुद को तो 8 सेकंड में पार कर रही है और 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर रही है, जो ट्रेन है वो 8 सेकंड में अगर खुद को पार कर रही है तो 12 सेकंड में ये मान लीजिए वो 264 मीटर लंबे पुल को पार कर रही होगी, 12 सेकंड में क्या कर रही होगी 264 मीटर लंबे पुल को पार कर रही होगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब अच्छे से, क्योंकि 8 सेकंड में तो वो खुद को कर रही है 20 सेकंड में दोनों को कर रही है, तो 12 सेकंड में वो कितना पार कर रही होगी 264 मीटर, तो 12 सेकंड में कर रही होगी 264 मीटर। हमें चाल निकालनी है, चाल होती है प्रति सेकंड, क्या होती है प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना करेगी वो 12 दूनी 24 और 22 आ गई, 22 मीटर पर सेकंड, क्या आ गई 22 मीटर पर सेकंड आ गई चाल हमारी। अब हमारी चाल 22 मीटर पर सेकंड नहीं, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकाली, आंसर हमारा यहाँ तक पेपर में यहीं तक पूछा जाता है, मगर मैंने आपको एक स्टेप और बढ़ा दिया जिससे आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाए ये चीज़। तो 22 में हम क्या करेंगे, कितने का गुणा करना पड़ेगा किलोमीटर में जाने के लिए, बड़ा 18/5, सॉल्व कर लीजिए इसे, 18 2 36 का 6 हाथ से लगा दीजिए, 18 2 36 और 3 39, 396/5। अब इसे 10 बना लीजिए, 2 का गुणा इधर कर दिए, 2 का गुणा ऊपर कर दिए, 2 6 12 का 2
हाँ से लगाए, 2 ने 18 19 करना, वहाँ से 2 3 6 और 1 792/10, तो कितना है 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। मतलब क्या है, ट्रेन खुद को तो कर रही है 10 सेकंड में, क्योंकि आदमी जो खड़ा है वो माना नहीं जाएगा क्योंकि ट्रेन खुद को ही पार कर रही है 10 सेकंड में, और 50 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में, 14 सेकंड में, 4 सेकंड में वो कितना चल रही है, 50, 1 सेकंड में चलेगी 50/4, तो उसकी स्पीड आ गई 50/4 मीटर पर सेकंड, पर हमें निकालनी कितने किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किसका गुणा करना पड़ा, 18/5 का, 5 से 10 बार कट गया आपका, ये 2 दूनी 4 2 ने 18 और 2 5 10, 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सिंपल सवाल है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल है आज का। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में, मतलब 108 मीटर लंबे स्टेशन को, ना ट्रेन की लंबाई प्लस ये थोड़ा अलग है, 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में, और ट्रेन प्लस 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में, मतलब वो 4 सेकंड में जो पार कर रही होगी, इन दोनों का डिफरेंस, तो 64 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया आपका बताइए, जो 64 है और 8 का डिफरेंस कितना आ गया, 56, कितना आ गया, 56, तो मतलब 1 सेकंड में वो 4 सेकंड में 56 जा रही होगी, तो 1 सेकंड में कितना जा रही होगी, 14, तो 14 मीटर पर सेकंड आ गई, कितनी आ गई, 14 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई, और हमारी वो कितने सेकंड तक चल रही है, 12 सेकंड तक, कितने सेकंड तक चल रही है, 14 गुणा 12, तो 14 गुणा 12 करेंगे, 12 6 48 60, 12 कम 12 168, तो डिस्टेंस टोटल कितनी आ गई, 168, जब डिस्टेंस 168 आ गई और 108 तो वो ही है पुल है, तो उसकी ट्रेन की क्या हो गई, 64 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब यहाँ से निकालना चाहिए, यहाँ से भी 60 ही आएगा, कितना आएगा, हमारा 64 ही है, सॉरी 60 आएगा, कितना आएगा, 60 मीटर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।